हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सब लोग ये पुराने हमारे पास पर्दे पड़े थे, इस पर्दे का हम उपयोग कैसे करें, तो इस पर्दे का उपयोग हम कूलर का कवर बना करके कर सकते हैं। इसका कवर बनाने के लिए क्या करते हैं, कूलर का कवर बनाने के लिए चलिए देखते हैं पहले क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कूलर है, इसी कूलर का हम कवर बनाएंगे, क्योंकि गर्मियों में तो कूलर का यूज होता है लेकिन जाड़े में कूलर का यूज नहीं होता है, तो ये रखे रखे जंग लग जाती है, तो उसको हम ढक के रखते हैं तो धूल लगकर इस पर नहीं पड़ती है। तो इसका कवर बना लें। कैसे बनाते हैं कवर, सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी हम नाप ले लेते हैं दोनों तरफ की, दोनों साइड की ऐसे नाप ले लेते हैं, ये साइड और ये साइड हम नाप लेते हैं। फिर नापने के बाद हम ऊपर का कपड़ा, इतना ऊपर का कपड़ा काट लेते हैं कि कितना कपड़ा लगेगा। तो हमने नाप लिया है, इधर की हमारी चौड़ाई है इसकी 21 और इधर की लंबाई इसकी है 25 और जो नीचे की लंबाई ये है, यह है 34। इतना नाप लेने के बाद हम इसे कवर बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है इसकी चौड़ाई थी 21, तो इसमें हम लगभग 3 इंच का मार्जिन देंगे, क्योंकि थोड़ा ढीला रखना है तो हम इसको 24 इंच पे कर देते हैं। 24 इंच इसकी हम चौड़ाई रखेंगे, 24 इंच पे हमने निशान में बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में इसकी लंबाई हमारी 25 थी तो इसमें भी 3 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसमें 28 इंच की इसको रखेंगे, 28 इंच की इसकी चौड़ाई रखेंगे। तो देखिए 28 इंच ही है चौड़ाई, तो बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, इस साइड पर भी हम 25 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं इस साइड पर, और वो उधर के तो मार्जिन हमारे सही थी, उधर का तो सही था नाप 28 इंच ये है ही, इसको हम 25 इंच पे इधर रखते ऐसे निशान बना करके। अब हम इसी की सीधी लाइन बना करके इसी की कटिंग कर लेते हैं, ऐसे इसमें निशान बना लेंगे सीधी सीधी, ऐसे सीधी निशान सीधा लाइन बना करके सीधी निशान बनाएंगे। देखो दोस्तों, ये हमने निशान बना के इस लाइन बना ली है, इसी पे हम कटिंग इसी कर देंगे। इसी कटिंग करने के बाद हम आगे का स्टार्ट। देखिए दोस्तों, ये हमने कपड़ा कट करके अलग रख लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे कूलर की ऊंचाई है, उस कूलर की ऊंचाई है 34 इंच, तो हम 34 इंच में 2 इंच का मार्जिन देते हुए 36 इंच की इसकी ऊँचाई रखेंगे। तो 36 इंच की हम नाप लेते हैं, ये 36 इंच यहाँ तक आया। देखो दोस्तों, ये 36 इंच है, 36 इंच पे ही निशान बनाएंगे। इधर साइड से भी हम नाप लेते हैं साइड से बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी रहेगा तो कपड़ा गंदा होता रहेगा, तो लंबाई ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितनी है उतनी ही रखेंगे ऊंचाई इसकी। तो 36 इंच की ऊंचाई है तो 36 इंच थोड़ा मार्जिन देते हुए हम कर देंगे, इसको हम काट के अलग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस कपड़े के चारों ओर हमको कपड़े को ज्वाइंट करना है, तो इस कपड़े को हम नाप लेते हैं ऐसे रख करके, एक एक साइड ये हो गया। अब दूसरी साइड हम ऐसे करके नाप लेते हैं ऐसे, फिर तीसरी साइड भी हम इधर से नाप देंगे यहाँ से, तीसरी साइड हमने ऐसे नाप ली। तो इतना नापने के बाद हमारा इस साइड में कपड़ा नहीं बचा है, इस साइड में कपड़ा लगाने के लिए दूसरा कपड़ा हमको चाहिए, तो इस पर्दे में इतना कपड़ा नहीं होगा, तो दूसरे पर्दे का कपड़ा हमने ले लिया है। ये इस साइड में हम ये कपड़ा ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से हमारे चारों तरफ का घेरा ये बनके तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो कपड़ा हमारा कम पड़ा था, इस कपड़े के लिए दूसरा कपड़ा हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इस कपड़े में दूसरा कपड़ा ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं बराबर में। देखिए, अब हमने ये ज्वाइन कर दिया है इसमें, अब क्या करेंगे, जो हमारा हमने ऊपर का काट कर रखा था कपड़ा, इसके ऊपर हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो इसको सीधा ऐसे रखेंगे और इसको उल्टा रख करके इसके ऊपर हम इधर कॉर्नर से शुरू करेंगे इसको सिलना, ऐसे सिलेंगे फिर इधर सिलेंगे ऐसे, चारों तरफ इसको हमको सिलना है, इस तरह सिलाई दे देंगे इसकी। देखिए दोस्तों, ये हमारा चारों तरफ हमने सिल दिया है, इस साइड से इस साइड से ये चारों तरफ सिल दिया। अब हमारा ये पोर्शन खुला हुआ है, तो इसको अगर आप चाहें तो इसको सिल दें, या तो फिर नहीं चाहते हैं तो इसको खुला रखें, इसको ऐसे ऊपर से डालना है, तो इसको अगर हम सिल देंगे तो फिर पूरा ढक जाएगा अच्छे से, इसको भी हम सिल देते हैं इस साइड से, इस साइड को हम सिल करके मिला देते हैं इसे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कूलर का कवर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कूलर के ऊपर डाल कर देखते हैं कि सही बना है या नहीं बना है सही, आइए देखते हैं डाल करके कूलर पर।
ये देखिए अब मेरा कवर बनके तैयार हो गया। मैंने कूलर को कवर भी कर दिया है। आप भी ऐसे ही अगर आपके पास पुराने पर्दे हैं या कपड़ा है इस तरह का, तो कूलर कवर बना कर कूलर को ढक के रखिए, क्योंकि सर्दियों में कूलर का यूज नहीं होता है, तो इसको ढक के रखेंगे तो इसमें धूल मिट्टी नीचे बचा रहेगा। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लाइक करें प्लीज़ वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।